स्वागत है। जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो व्यू कर रहे हैं वो लाइक कर दें। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ BC21 बाय कॉम्बिनेशन 21। बाय कॉमिक नंबर 21 टीथिंग ट्रबल्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बाय कॉमिक नंबर 20 के यूज़ से जो बच्चों में जो दांत निकलने के समय जो ट्रबल होता है वो नहीं होता है। बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं मशूरों में काफ़ी दर्द होता है, इस वजह से फीवर और लूज मोशन हो जाता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बच्चों के टीथ निकलने में बहुत ही हेल्प करता है। जब टीथ निकलता है तो गम मसूड़ों को फाड़ते हुए टीथ निकलता है, जिससे बच्चों को बहुत ही कष्ट होता है। लूज मोशन होता है तो उसमें बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल, बहुत ही बदबू होता है। दूध जैसे पिया दूध का वॉमिटिंग हो जाना, पेट में गैस बनने लगता है, दर्द आता है, लेकिन बच्चा कुछ भी कह नहीं सकता, इसलिए बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। जब दांत निकलने लगता है वो किसी चीज़ से काटने का कोशिश करता है। तो इस मेडिसिन के यूज़ से आसानी से दांत निकल जाता है और कोई बच्चे को कष्ट नहीं होता। इसका यूज स्टार्टिंग में कर देते हैं तो इजली टीथिंग होता है, जिससे कोई भी समस्या नहीं आती है। बायकॉम नंबर 21 में कंपोजिशन है किल्क्रिया फॉस फेरम फॉस। किल्क्रिया फॉस में कैल्शियम होता है जो वोन और टीथ के लिए बहुत ही अच्छी है। फेरम फॉस डायरिया, कोल्ड हो, फीवर हो, आयरन खून बनने में बहुत ही मदद करता है। अब इसे डोजेज हाउ टू यूज अब इसे यूज कैसे करें। 2 tablets 3 times देना है सुबह दोपहर शाम। 1 चम्मच गुनगुना पानी ल्यूक वार्म वाटर ले, उसमें 2 tablet डाल दे। जब वो डिजॉल्व हो जाएगा तो बच्चों को पिला दे। ऐसे भी बच्चों के टंग में रखने से बच्चे आसानी से इसे खा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।